हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमएस नॉलेज हब। फ्रेंड्स, ये जो है एमएस वर्ड का पार्ट सेकंड है। एमएस ऑफिस के जो एमएस वर्ड सूट होता है उसमें जितने भी उसके ऐसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में जैसे ट्रिपल सी के एग्जाम हैं या एसएससी के और भी जो एग्जाम होते हैं जिसमें कंप्यूटर के 2 से 5% पूछे जाते हैं और ट्रिपल सी में तो टोटल ही कंप्यूटर आता है, तो उन परीक्षाओं को देखते हुए मैंने बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ ये इकट्ठे किए हैं। आप इसी तरह देखते रहिए, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न हमारा क्वेश्चन है, वर्ड में सेलेक्ट किए गए पैराग्राफ को राइट अलाइन करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, वर्ड में अगर किसी कोई भी लेटर है, कोई भी वर्ड है, अगर आपको उसको राइट अलाइन करना है तो आप कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे, लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे, और आपको उसको सेंटर में रखना है तो कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिंग का तात्पर्य है आपने बनाए गए डॉक्यूमेंट को पढ़ना और उसमें जो भी गलतियां हैं उन्हें सुधारना, ही एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, नया न्यू पेज करने के लिए कौन सी की दबाती है। तो आपको एमएस वर्ड में अगर न्यू पेज करना है आपको तो आप कंट्रोल के साथ एंटर की दबाएंगे और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन डॉक्यूमेंट के किस हिस्से में होते हैं। तो जो पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं वे डॉक्यूमेंट के पेज सेटअप में प्राप्त होते हैं। आप अपनी फाइल की सेव डिटेल को इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आप सेव एज डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए कौन से मेन्यू सेलेक्ट किए जाते हैं, तो प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन सेलेक्ट, ये सब तो मेन्यू होते हैं, और मेन्यू के बाद ये जो ऑफिस बटन होता है ये इसका फाइल मेन्यू कहलाता है। इस फाइल मेन्यू में आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, इस तरीके के ऑप्शन मिलते हैं और यही जो है फाइल मेन्यू कहलाता है। इसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं, इसमें कोई से क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि ओपन जो ऑप्शन होता है वो कौन से मेन्यू में होता है, सेव कौन से मेन्यू में होता है, प्रिंट कौन से मेन्यू में है। तो ये सब जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी कमांड्स हैं, ये केवल आपको फाइल मेन्यू मिलती है ऑफिस बटन के द्वारा। डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए कौन सी कुंजी का प्रेस करते हैं, यानी कि कुंजी मतलब कौन सी की को आप प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल कुंजी यानी कि कंट्रोल की प्लस एंटर की, इनको दबाने के बाद आप जो है डॉक्यूमेंट बॉक्स में जाने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। वर्ड टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए इसे क्या दबाकर प्रयोग करते हैं, तो देखिए, आप किसी वर्ड को इटैलिक बनाना चाहते हैं जैसे उसमें कुछ तिरछे लेटर करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, अब मैं इसे थोड़ा तिरछा करना चाहता हूँ, तो दो तरीके हैं, एक तो आप इसे माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, दूसरा आप कंट्रोल प्लस आई जैसे प्रेस करेंगे तो ये स्वतः ही आपको तिरछा दिखेगा। देख रहे हैं आप, तो ये जो है कंट्रोल प्लस आई से होता है। अगर हमें इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी से करेंगे बोल्ड, और इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब स्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो सब स्क्रिप्ट होते हैं, अगर हमें किसी लेटर के नीचे कोई इस तरीके से लिखना है, आप केमिस्ट्री में फॉर्मूले देखे होंगे H2SO4, तो H2 जो नीचे जो 2 बनता है उसे कैसे बनाएंगे, तो उसे सब स्क्रिप्ट का लेटर बोलते हैं। तो आप ये जो ऑप्शन होता है, ये आपको होम मेन्यू में आप जाएंगे किसी भी, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये सब स्क्रिप्ट है, आप इसे यहाँ से इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, आप कंट्रोल प्लस इक्वल का जो साइन होता है उसे प्रयोग करके भी इसे सब्सक्रिप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ इस हब के नीचे कुछ भी यहाँ भी फॉर्मूला लिखना है H2O, तो H2 अब ऐसा है, हमको इसका 2 नीचे बनाना है तो इसे सब्सक्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ से जाइए और इसको इस तरीके से क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ 2, और फिर आप द्वारा वहाँ पर जाएंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसे हटा देंगे और फिर इस तरीके से हम फॉर्मूला इसमें एमएस वर्ड में लिख सकते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है, इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस इक्वल साइन। हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस के। वर्ड रैप का अर्थ क्या होता है, तो वर्ड रैप होता है टेक्स्ट का स्वत है अगली लाइन में पहुंचना है, वर्ड रैप कहलाता है। कट कॉपी पेस्ट की क्रम से शॉर्टकट की क्या होंगी, देखिए कट की होगी कंट्रोल प्लस एक्स, और कॉपी की होगी कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट की होगी कंट्रोल प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट नोट्स एंड नोट्स का उपयोग
रेफरेंस के लिए किया जाता है, यानी कि रेफरेंस अगर हमें देना है तो अपने नोट्स में, तो उसमें हम फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने टेक्स्ट में इंटेंट देने के लिए आप होम टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। आप ट्रिपल सी के एग्जाम दिए होंगे तो ट्रिपल सी के एग्जाम में एक ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ऑप्शन के रूप में ही फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। उसमें 50 ट्रू फॉल्स आते हैं, 50 ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। उन क्वेश्चन आंसर में ही कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ लेते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चनों को अपने तैयार करते चलिए। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की जाती है? तो किसी भी, आप इंसर्शन पॉइंट मतलब आपका जो कर्सर होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट के अगर शुरुआत में लाना है तो आपको कंट्रोल प्लस होम की दबानी पड़ेगी। कंट्रोल प्लस होम की दबाने के बाद आप इसमें इंसर्शन पॉइंट को अपने शुरुआत में पेज के ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है? स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7। आप F7 के द्वारा अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। MS वर्ड में बॉटम मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? तो बॉटम मार्क जो ऑप्शन होता है वो पेज लेआउट टब में होता है। किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? देखिए, लाइनों की अगर जैसे दो लाइन है, इनके बीच की स्पेस अगर मुझे बढ़ानी है तो उसके लिए मैं लाइन स्पेस का प्रयोग करूँगा। ये आपको होम की पर जाकर पता चलेगा। आप होम पर जाइए और होम पर जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहेंगे, ये जो है यहाँ लाइनिंग स्पेस है, तो आप यहाँ से अपनी जो भी स्पेस है घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का कार्य क्या है? तो स्प्लिट ऑप्शन का होता है, व्यू मेन्यू में आप एक विंडो को दो भागों में बांट सकते हैं, इसके लिए स्प्लिट ऑप्शन का यूज किया जाता है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए या नई फाइल खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस एन, एन फॉर न्यू, आप कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग करेंगे। MS ऑफिस में मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है, पिछले अभी SSC में भी आया था, रेलवे के एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन। तो MS ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज कितना है? इस पर कई बार बच्चे गलत कर जाते हैं। इसमें इसका जो मिनिमम साइज होगा वो 10 होगा और जो मैक्सिमम जूम साइज होगा वो 500% होगा। ये परसेंटेज में होता है, 10 से 500%। डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए आप विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए जो एक मात्र समय विकल्प है हमारे पास, वो MS वर्ड है। MS वर्ड केवल और केवल डॉक्यूमेंट को तैयार करने के और डिजाइन करने के लिए ही बनाया गया है। MS वर्ड 2010 में किस डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो आप 32 GB तक की कोई भी फाइल MS वर्ड 2010 में बना सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट आपका 32 GB तक की जो मेमोरी का वो आप बना सकते हैं। एक टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे बढ़ता है? तो आप 0.5 इंच कर्सर जो आपका एक टैब दबाने पर बढ़ जाता है। MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट भी होता है प्रिंट लेआउट। MS वर्ड 2010 में इंफॉर्मेशन ऑप्शन का किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड 2010 में इंफॉर्मेशन ऑप्शन का प्रयोग पासवर्ड के रूप में किया जाता है। और MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल M बड़ा प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किस का प्रयोग किया जाता है? तो ये बुलेट का प्रयोग किया जाता है। आप ये जो देख रहे हैं यहाँ, इस तरीके टिक जो लगे हुए, ये बुलेट ही हैं। आप बुलेट को यहाँ से भी इसका यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होते हैं आप, ये ऑप्शन, ये बुलेट का ऑप्शन है। जब आप कोई लेटर टाइप करेंगे इस तरीके से, ये जो होते हैं नंबर एंड बुलेट्स, आप यहाँ से इन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब आपको ये बुलेट्स हैं, नंबरिंग एंड बुलेट्स। बुलेट्स होता है कि अब भी आप कोई नया लाइन से स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा और उसका जो डिजाइन थोड़ा अच्छा सा लगेगा देखने में। ये जो मैंने बुलेट प्रयोग किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में पेज पैराग्राफ होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? तो ये पेज लेआउट में मिल सकता है आपको, पैराग्राफ ग्रुप होम टैब। MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? तो रिव्यू ऑप्शन में MS जो आपको ट्रांसलेशन ऑप्शन मिलेगा। देखिए, ये आप रिव्यू ऑप्शन है और रिव्यू ऑप्शन में आप जाएंगे, इसमें आपको स्पेलिंग, रिसर्च, थ्रेजर्स, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, ये सब की जो इसमें ऑप्शन आपको मिलते हैं रिव्यू ऑप्शन में। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS ऑफिस, MS एक्सेल, उनके कुछ एक ऑप्शन, कुछ एक मेन्यू बहुत सेम से हैं, क्योंकि ये MS ऑफिस द्वारा बनाए गए 4 सूट हैं और भी हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन है, मगर जो इम्पोर्टेंट है इस समय यूज करे जाते हैं ये 4 ही हैं। तो इनका जो अधिकतर मेन्यू इनके समान से हैं कुछ, और जो डिफरेंट है वो डिफरेंट में आगे आएगा, मैं वीडियो में आपको बताता रहूँगा।
एमएस वर्ड के लगभग मैंने दो वीडियोस में बना दी हैं, जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और अभी जो भी एग्ज़ाम में नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं इस वाले चैप्टर से, एमएस वर्ड वाले से, तो मैं इस पे एक वीडियो और बना दूंगा बाद में। फिलहाल में जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो कंप्यूटर के फंडामेंटल पर होगी, उसके बाद मैं एमएस एक्सेल लूँगा। तो फंडामेंटल कंप्यूटर का मतलब कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई और उसमें जो कंप्यूटर के जितने भी जीके क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में बहुत अधिक इस टाइम आ रहे हैं, उन सबको लेकर के मैंने क्वेश्चन सेट तैयार किया है, वो कल मैं आपसे शेयर करूँगा उसका वीडियो। देखिए इससे कुछ और क्वेश्चन है भी। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटी व सबसे बड़ी साइज क्या होती है? तो फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटी साइज जो 8 और सबसे बड़ी जो साइज होती है वो 68 होती है। पेज मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? तो पेज मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं। और आप डॉक्यूमेंट को कितने तरीकों से सेव कर सकते हो? डॉक्यूमेंट को आप 3 तरीकों से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस भी दबा सकते हैं और माउस के द्वारा भी आप 2 तरीके से सेव कर सकते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपके जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी सुविधा के लिए आपके अनुरूप बाद में बनाए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जैसे कि एमएस वर्ड भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स ये तो आता। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एमएस नॉलेज हब टाइप करेंगे तो आपको ये जो है 4th नंबर पर आपको मिलेगा एमएस नॉलेज हब। अभी 4th पे है, आपका सहयोग रहा तो जल्दी ये 1st पर आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके यहाँ से हमारे चैनल को पहुँच सकते हैं और पहुँचने के बाद आप यहाँ से इसकी जो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका रेड बटन है, सब्सक्राइब करने के बाद इसके जो है आप बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जितनी भी मेरी भविष्य में वीडियो होती हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। फ्रेंड्स मेरा ये एजुकेशनल चैनल है तो मैं यहाँ जितनी भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो ही लाता हूँ, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, चाहे सामान्य ज्ञान से रिलेटेड हो, और चाहे जो करंट के जो करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड हो, और जितनी भी मैंने अपनी प्लेलिस्ट उसमें बनाई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। जो करंट की न्यूज चल रही हैं उसके मैं अपने टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक हमें इस पर सहयोग दीजिए, हम जल्द से जल्द आपके लिए और भी अच्छी बेहतर सुविधा ला सकें। कोई भी सुझाव सलाह आपको देनी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।